तो विराट को पकड़ लिया जाता है कि भाई साहब आपने क्या कुछ किया आपने तो कुछ नहीं किया वहीं अगर विराट कोहली कुछ कर दे रोहित के रन है तो विराट रोहित शर्मा को पकड़ लिया जाता है तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जब हम इंडिया की बात करते हैं इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं ना ये दोनों खिलाड़ियों ने ये दोनों खिलाड़ियों ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन जो फैन वॉर्स है ना उसने कहीं ना कहीं इनका बहुत नाम खराब किया हुआ ये दोनों फैन वॉर्स है ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बीच टकरार बना रखी है खिलाड़ियों के बीच नहीं सोशल मीडिया में लोगों के बीच तो आज हम ऐसी चीज लेकर आपके सामने आए हैं जहां मैं सिर्फ बात विराट कोहली की नहीं करूंगा बात सिर्फ रोहित शर्मा की नहीं करूँगा बात करूंगा इन दोनों की बात करूंगा रोको की क्योंकि रोको ने साल दो से लेकर साल दो के बीच ओ में जो कुछ किया है ना भाई साहब आप वो सोच भी नहीं सकते हो क्या कुछ उन्होंने किया और ऐसा कुछ किया उन्होंने कि दुनिया के जो तमाम क्रिकेटिंग नेशंस है ना वो सब पीछे रह गए मतलब सोचिए अकेले रोहित और विराट से बाकी देश हार गए तो देखिए यहाँ पर जिस हिसाब से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर अगर आप आंकड़े पे, आंकड़ों पे गौर करें ना तो आप हैरान हो जाएंगे साल 2016 से लेकर 2019 मतलब आप सोचिए आमतौर पे इस दौरान कितने ओडियाईज खेले जाते हैं लेकिन अगर आप यहाँ लिस्ट देख रहे होंगे तो लिस्ट में आपको देखेगा इंडिया ने उस दौरान फिफ्टी एट सेंचुरीज की है जिसमें ओडियाई की फिफ्टी एट सेंचुरीज है नंबर सेकंड पे आप दिख रहा होगा इंग्लैंड आपको दिख रहा है 47 सेवन है फोर्टी सेवन सेंचुरी नंबर तीन पर जब आपकी नजर पड़ेगी ना तो आप शायद हैरान रह जाओगे क्योंकि नंबर तीन पर आपको दिख रहा है कोई कंट्री का नाम तो है नहीं पे नंबर पर आपको दिख रहा है रोहित शर्मा और विराट कोहली इन दोनों के शतक जो है वो चालीस है मतलब आप सोचिए उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया की अगर नजर डाले आप पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज या बाकी किसी पर भी नजर डाले तो आपको देख के लगेगा भाई साहब क्या है ये रोहित विराट ने अकेले 40 सेंचुरी मारी है इस दौरान और आप सबसे बड़ी बात है इस दौरान अगर आप इंडिया का भी काउंट करोगे तो केवल अठारह सेंचुरीज़ है जो इंडिया की तरफ से किसी और खिलाड़ी ने बनाई लेकिन उसमें भी आपको मैं एक अच्छी जानकारी दे देता हूँ नौ सेंचुरी तो शिखर धवन की भी है मतलब अगर आप रोहित विराट और शिखर को हटा दो तो आपको बाकी नज़र ही नहीं आएगा तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये आप आंकड़े देख रहे हो तो ये आंकड़े मजाक नहीं है क्योंकि ये आंकड़े ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि ओडीआई में वैसे तो हम आमतौर पे जो जिक्र करते हैं या बात करते हैं उसमें हम हमेशा ये देखते हैं कि यार विराट कोहली के तो 50 शतक हो चुके हैं विराट कोहली ने तो सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है लेकिन रोहित शर्मा ने जो कुछ किया है उसको हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा रह जाता है लेकिन रोहित शर्मा के इकत्तीस शतक है और सबसे बड़ी बात है 2019 वर्ल्ड कप को कैसे भूल सकता है पाँच पाँच शतक जो कि अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है अब तो कहीं ना कहीं दोनों दो की एज भी बढ़ चुकी है दो हजार के दौरान तो दोनों अपने पीक पर थे लेकिन कहीं ना कहीं आज भी दोनों जो है ना इंडिया की ताकत है और यही ताकत है जिसने हमें हाल ही में टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप भी जिताया और यही ताकत है जो अगले कुछ साल भारत के लिए और अच्छा भी करेगा तो कृपया कर इन दो ताकतों को हमेशा एंजॉय करें सेलिब्रेट करें इंडिया के लिए करें डिवाइड ना करें क्रिकेट को भी बनाकर रखें और बरकरार रखें मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट लाइव एनालिसिस स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक एप